सोलन नगर परिषद के वार्ड नंबर 4 के उपचुनावों में कांग्रेस और भाजपा में आमने सामने की टक्कर थी। हालांकि ये चुनाव पार्टी सिंबल पर नहीं थे, लेकिन स्वाति और किरण को अपने अपने दलों में समर्थन जरूर बराबर था। यही वजह है कि दोनों दलों ने यहां जीत हासिल करने के लिए बेहद पसीना बहाया है। लेकिन पश्चात के उपचुनावों के बाद कांग्रेस को एक बार फिर से सोलन में हताशा ही हाथ लगी है। सोलन नगर परिषद के वार्ड नंबर 4 के उपचुनावों में कांग्रेस और भाजपा में आमने सामने की टक्कर थी। हालांकि ये चुनाव पार्टी सिंबल पर नहीं थे, लेकिन स्वाति और किरण को अपने अपने दलों से समर्थन जरूर प्राप्त था। यही वजह है कि दोनों दलों ने यहां जीत हासिल करने के लिए बेहद पसीना बहाया। लेकिन पश्चात के उपचुनावों के बाद कांग्रेस को एक बार फिर से सोलन में हताशा हाथ लगी है। जनता ने अपना समर्थन भाजपा समर्थित स्वाति को दिया। जीत हासिल करते ही भाजपा नेताओं ने बाजार में विजय रैली निकाली और विजेता स्वाति के साथ शहर में नारे लगाते हुए सभी का धन्यवाद भी किया। इस मौके पर विजय हासिल कर चुकी स्वाति ने मीडिया के माध्यम से सभी मतदाताओं का धन्यवाद किया और कहा कि जो भरोसा उन पर वार्ड नंबर 4 की जनता ने उन पर जताया है, वे उस पर खरा उतरने का प्रयास करेंगी और वार्ड का विकास उनकी प्राथमिकता रहेगी। मैं वार्ड नंबर 4 की सभी जनता को धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मेरे को इतना प्यार और सहयोग देके मेरे को सफल बनाया है। और मैं उनकी सारी जो भी उनकी समस्या है, उनकी सभी समस्याओं का समाधान करूँगी। तो ये था आज दिन भर का कार्यक्रम। कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप ऐसे ही जुड़े रहिए एस टुडे के साथ। नमस्कार।